सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक गांव में आशा बहू की नियुक्ति की है, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि जौनपुर जनपद के रामनगर ब्लॉक के सिंगारपुर गांव में आज तक आशा बहू की नियुक्ति न होने के कारण सपना देवी सहित 600 लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आशा नहीं है तो क्या दिक्कत होती है? बहुत सी दिक्कत है कि अब जैसे पेट में बच्चा आ गया तो किससे पूछे, पहली सुई कहाँ लगेगी, क्या नहीं, खाने के लिए पीने के लिए हर एक चीज़ मतलब दिक्कत ही है, और समय पे टीका नहीं हो पाता। और भी बच्चे मतलब मेरे और बच्चे हैं, 3 बच्चे यहीं पैदा हुए, उन लोगों को भी समस्या यही थी कि सुई वगैरह लगाने के लिए हम लोगों को दूसरे गांव की आशाओं को पूछना पड़ता था। वो लोग आती है लेकिन सही से काम वगैरह नहीं होता। इस गांव में हमारी पर्सनल आशा हो, हमारे गांव की आशा हो, ये चाहती हूँ, जिससे हम लोगों को बहन बेटी को लेके दौड़ना न पड़े। आपके गांव में आशा है? नहीं, आशा नहीं, आशा नहीं, दिक्कत है। और दूसरे गांव में जैसे जाए को था टीका उका लगवा, 2 बार टीका लगवा दूसरे गांव में, आशा रहती तो मतलब पूछ पाछ के लगाई। आशा नहीं है तो फिर डिलीवरी कहाँ हुई आपका? अब आशा नहीं तो डिलीवरी मतलब दूसरे गांव के आशा के सहायता से हुए, दूसरे जगह जाए पड़े। अगर आशा होती अपने गांव के तो मतलब सुविधा मिले, 1400 रुपया मिले और बहुत कुछ सुविधा रहा और हर चीज़ की जानकारी भी मिले समय समय पर। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि जौनपुर जनपद के CMO जिनका फ़ोन नंबर 0-5452-960-920 है, इस पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं बबीता मौर्या जौनपुर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।